नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऐसे सटोवल इस यूट्यूब चैनल में। तो आज इस वीडियो में हम जो जावा 42 है और जावा स्टैंडर्ड है, इस मॉडल को चला के देखने वाले हैं। इसका ड्राइव एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाले हैं। चलाने में ये मॉडल कैसी है, इसका पिकअप जो है, इसकी सीसी है, इसके जो इंजन की वाइब्रेशन है, 293 सीसी का इंजन आता है, उसको 300 सीसी का इंजन ये लोग बोलते हैं, इसको चला के देखने वाले हैं। इसका ड्राइव एक्सपीरियंस किस तरह है, इसके सस्पेंशन कैसे है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसकी इंजन वाइब्रेशन की बात करते हैं। तो इसके जो कॉम्पिटिटर है उसके हिसाब से इसका जो इंजन का वाइब्रेशन है वो मुझे बहुत कम लगा। जो इंजन का थर्म है वो भी बहुत कम है। ये वाला जो मॉडल है आपको 293 सीसी मतलब 300 सीसी का आ जाता है। इसमें आपको करीबन 27 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है इंजन और 28 nm का टॉर्क जनरेट करता है। तो इसका जो वैल्यू है, इंजन का जो पावर है बहुत ही अच्छा बेहतरीन है। और इसका जो वेट है वो भी, इंजन का वेट और पावर रेशो है वो भी बेहतरीन है। इसे अभी आप हाईवे पे चला के देखते हैं किस तरह से हाई स्पीड पे इसका इंजन का वाइब्रेशन काम करता है। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल सिग्नल पे है, सिग्नल के सारे रूल फॉलो करते हैं। जेब्रा क्रॉसिंग के पीछे इसको खड़ी करती है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहली और एक चीज़ है, आप इसको चला के देख चालू करने वाले हैं तो आपको सिर्फ न्यूट्रल में होने के बाद भी आपको यहाँ पे एक्सेलेटर को खींचना नहीं है, बस इसको इंजन का इग्निशन स्विच है उसको दबाना है, ये चालू हो जाती है। बट आप एक्सेलेटर को देते हैं तो चालू नहीं होगी, इस तरह आवाज़ करती है। तो आपको सिर्फ इंजन का जो इग्निशन स्विच है इसको दबाना है, ये चालू हो जाती है। तो दोस्तों, इसको हाईवे पे चला के देखते हैं, हाई स्पीड पे इसकी जो इंजन की वाइब्रेशन है उसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों, राइडिंग पोजीशन भी इसकी बेहतरीन है, जो कम हाइट के बंदे हैं उनके लिए भी सही है। तो दोस्तों, मैं इसको अभी चला रहा हूँ 60 के स्पीड पे, 70, 80। तो दोस्तों, इंजन का वाइब्रेशन है बहुत ही ज़्यादा कम है उसके कॉम्पिटिटर के हिसाब से, और इंजन का जो रिस्पांस है वो भी बेहतरीन है। वाओ, सुपर्ब। दोस्तों, ब्रेक देख लेते हैं। तो दोस्तों, ब्रेक की बात करते हैं तो आपको आगे ड्यूअल चैनल ABS के साथ डिस्क ब्रेक मिल जाता है, जो आपको अच्छी ब्रेकिंग पावर प्रोड्यूस, अच्छी आपको ब्रेकिंग पावर दे देता है और आप कॉन्फिडेंटली इसको हाई स्पीड पे चला सकते हैं। तो दोस्तों, राइडिंग की बात करते हैं तो इसका जो हाइट है सीट की थोड़ी कम है, और आप जो आप स्क्रीन पे आगे देख रहे हैं वहाँ पे भी जावा 42 है। इसका बैक रेस्ट भी आपको देखने को मिल सकता है, जो पिलियन राइडर है उसको लॉन्ग ड्राइव पे अच्छी खासी कंफर्टनेस प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, इसके बाद इसका जो वेट है अराउंड 172 kg के आसपास है। बट आपको सिटी में ड्राइव करते समय ये जो 172 kg जो हैवी वेट आपको महसूस नहीं होता। इसका जो इंजन का वेट या टोटल बाइक का वेट और पावर का जो रेशो है बहुत बड़ा बढ़िया तरह से ट्यून किया है कंपनी ने। सबसे बेहतरीन चीज़ इसमें मेरे को जो अच्छी लगी कि रेट्रो लुक है, रेट्रो लुक है और इंजन का वाइब्रेशन है बहुत ही ज़्यादा कम है। मेरे बाजू में जो आप बाइक देख रहे हैं उसके कंपैरिजन में आप इंजन की वाइब्रेशन देखोगे तो बहुत ही कम है। क्योंकि दोस्तों, इसके जो कॉम्पिटिटर है उसको भी मैंने चलाया है सिटी में,
बट आप सिटी में चलाते समय जो इंजन का वाइब्रेशन है जो लो स्पीड पे, वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करता है, और इसका जो थंब है वो भी ज़्यादा इरिटेट करता है। बट आप एक साइलेंट बाइक लेना चाहते हो जो इंजन की रिफाइनमेंट अच्छी हो, तो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है जावा 40 डोर, जावा स्टैंडर्ड, जो करीबन आपको 2,10,000 में ऑन रोड कॉस्ट में आ जाता है। तो दोस्तों, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm का है, तो आप सिटी में कोई भी बिना तकलीफ के इसको चला सकते हैं। और जो ऑफ रोडिंग है, अर्बन एरियाज़ है जहाँ पे रोड सही नहीं है, या ऑफ रोडिंग आप बोल सकते हैं, वहाँ पे भी ठीक ठाक चला सकते हैं। 165 mm थोड़ी कम ही है, बट ठीक ठाक है मुझे, मेरे हिसाब से। तो दोस्तों, जो इंजन की बात मैंने बोली, इसमें और एक चीज़ बोलना भूल गया कि ये वाला जो इंजन है, अब तो 6-speed मैनुअल गियर के साथ आता है। 6-speed होने के कारण इसका जो इंजन का वाइब्रेशन है कम किया है कंपनी ने। तो दोस्तों, आप इसको अच्छी तरह से हाई स्पीड पे रेव भी कर सकते हैं, बेहतरीन है इस बाइक चलाने में। फ्यूल इकोनॉमी की बात करते हैं तो फ्यूल इंजेक्टर मॉडल के साथ आता है, इसके लिए आपको जो फ्यूल इकोनॉमी है वो भी बेहतर मिल जाती है। अराउंड 40 के आसपास आपको फ्यूल इकोनॉमी इस मॉडल के साथ मिल जाती है।